सर अब चुनाव में कैंडिडेट्स कूद गए हैं, कुछ ज्यादा वैसे में कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कितना असर डालेंगे आप? कोई लड़े, मैदान खुला हुआ है, प्रत्याशी तो आएंगे, और किसी के लड़ने से किसी के नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसीलिए सभी स्वतंत्र हैं। जो लोग भी मैदान में आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं, और इस बार का चुनाव 2019 में जिस तरह से पूर्णिया की जनता ने अपार समर्थन देने का आशीर्वाद देने का काम किया है, और 2024 में भी उससे अधिक समर्थन और आशीर्वाद जनता का मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस क्षेत्र भ्रमण में लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे महसूस हो रहा है कि सारे पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे, और जो 26 तारीख को चुनाव होगा और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि पूर्णिया का परिणाम कुछ अलग ही होगा, और बड़े अंतर से पूर्णिया की जनता चुनाव जीतेगी। महागठबंधन को लेकर के में जो जिस तरह से उठा पटक चल रहा है पूर्णिया सीट को लेकर के, उसका कितना फायदा आपको? कोई मुझे नहीं मालूम क्या उठा पटक चल रहा है उन लोगों में, क्योंकि हम तो अपने लक्ष्य में लगे हैं, और दूसरे दल के दूसरे घटक दल क्या कर रहे हैं उसमें न तो मेरी कोई रुचि है। जो भी मैदान में आएंगे वो बुरी तरीके से परास्त होंगे। बीमा भारती राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव चुनाव लड़ने की बात है, तो गठबंधन न तो ऐसे ही टूट रहा है। अब किनको सिंबल मिल रहा है किनको नहीं मिल रहा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब क्या होगा ये तो 4 के बाद पता चल पाएगा कि कौन किस सिंबल से लड़ रहे हैं। अभी तो उस पर कोई जवाब देना, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है।